है। क्या है बे? चल दिमाग मत खराब कर। अगर तुझे राजनीति में आना है ना तो राजकुमार भैया की तरह डबल कैरेक्टर बन जा। बातों में अट्रैक्शन होना चाहिए। अबे भाषण देने के लिए पहले बोलना तो सीख ले। कृष्ण राय साहब पैदा हुए हैं जनता की सेवा करने के लिए। आजकल के नेता जन सेवा के नाम पर सिर्फ झूठी बातें करते हैं। जनता को झूठा आश्वासन देकर वो सिर्फ अपना वोट बैंक तैयार करते हैं। अब हमारे बीच में हैं कृष्ण राय साहब, जिनकी छवि एकदम साफ सुथरी है। बोलिए कृष्ण राय साहब की, कृष्ण राय साहब की, कृष्ण राय साहब की, नेता कृष्ण राय साहब की। ए सुरेंद्र जरा रुको तो, इतने मुश्किल समय में तुम अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हें ना 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। दोनों जुड़वा हैं। एक हमेशा माँ के साथ रहेगा और दूसरा बाप के साथ रहेगा। ये हमारी पार्टी का भविष्य है। ये हमारी पार्टी की ध्वजा को लहराएगा। इसका नाम होगा ध्वजा। कहाँ गए तेरे पापा? ओह यहाँ है, बैठ जा। बैग मुझे सुनो भाइयों, हमने इस देश का नमक खाया है। जब तक मेरे इस शरीर में खून का एक भी कतरा रहेगा, यकीन मानिए मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूंगा। अरे भाइयों, हमने इस देश का नमक खाया है। जब तक मेरे इस शरीर में खून का एक भी कतरा रहेगा, मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूंगा। पता है मुझे, आप भी सो जाओ। हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री जनता की भलाई के लिए क्या क्या करते हैं, रोज आप न्यूज़पेपर और टीवी में देखते रहते होंगे। करावली के निवासी श्रीमान मेघ जी की कैसे रक्षा की गई, वो तो आप लोग के सामने ही है। विपक्षी पार्टी के लीडर हमारे मुख्यमंत्री पर हर समय झूठे इल्जाम लगाते रहते हैं। मेरा कहना है कि उस विपक्षी पार्टी में कोई लीडर है ही नहीं और ना ही उन लोगों के पास कोई दिमाग है। हमारी पार्टी के लीडर उनके आरोपों का जवाब देकर उन सब का मुंह बंद कर देंगे, ये आप देखेंगे। अभी हमारा स्वाभिमान जिंदा है। हम इस देश के वीर हैं। आज मैं सबके सामने कसम खाता हूँ, मैं अपनी जनता के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। जीऊंगा तो आपके लिए, मरूंगा तो आपके लिए। पिछले 15 सालों से अमेरिका में इस मर्क्यूरी प्रोडक्ट पर बैन लगा हुआ है। उस बैन किए हुए प्रोडक्ट को हमारे गाँव की एक फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। पता है उसे तैयार करने में हमारे वातावरण में कितना जहर घुलेगा। कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर आदमी की जान जाएगी तो उसकी औरत विधवा हो जाएगी, उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। थोड़े से पैसों के लिए वो लोगों की जिंदगी के साथ खेलना चाहते हैं, ये भी कोई बात हुई? ये जो जहर है गर्भवती महिलाओं के बच्चों पर भी असर डालेगा। इसलिए मुझे भविष्य की बहुत चिंता है। भविष्य में आने वाले बच्चे अपंग पैदा होंगे साथियों। इससे अच्छा तो हम खुद ही जहर खा लें। बहुत खराब समय आने वाला है। यहाँ ये फैक्ट्री चलनी चाहिए क्या? हमें इनके खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पॉइजन फैक्ट्री मुर्दाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। सर, आपको आगे जाने का परमिशन नहीं है। ये पूरा एरिया प्रोहिबिटेड है। अगर इसके बाद भी आप आगे जाएंगे तो मुझे अरेस्ट करना होगा। अरेस्ट करना चाहते हो तो कर लो। न्याय मिलने तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जाकर अपने अधिकारियों को बोल दो, हम अपनी लड़ाई बहुत ही शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं। साथियों, हम आगे नहीं जाएंगे। सब लोग शांति के साथ वैन में बैठ कर अरेस्ट होंगे। आइए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। त्याग का दूसरा नाम हमारी प्रजा पार्टी ही है और हमारी लड़ाई का दूसरा नाम प्रिय प्रजा ही है। हमारे लोगों को जहर पिलाने वाले इस सरकार का खेद अब सहन कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। भाइयों, अन्याय के खिलाफ और न्याय के लिए कल के सुखी दिन के लिए मैं अपने इस जीवन का त्याग करता हूँ। भाइयों, मुझे माफ करना। यहाँ के होने वाले चुनावों में प्रजामत पार्टी और जनशक्ति पार्टी एक दूसरे में नुक्स निकालते रहते हैं। अभी यहाँ पर जनशक्ति पार्टी की मीटिंग चल रही है। पापा, इस बार भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। इस बार पार्टी का लीडर मेरा बेटा ही बनने वाला था ना, उसका क्या हुआ मंत्री जी? अध्यक्ष तो भामा ही है, अपना ही आदमी है वो, और आप उन सबके पीछे। वो सब मुझे मालूम है मंत्री जी, उन सब के पीछे मैं हूँ, मुझे पता है। लेकिन लिस्ट में ध्वजा का नाम भी तो है, इस बात की मुझे टेंशन है। बलराम भाई, वो सबके मन में बसता है। हम राजनीति में नाम कमाने के लिए आए हैं, लेकिन वो पैदा ही हुआ है राजनीति करने के लिए। आइए आइए। कैसा चल रहा है नेताजी, सब लोग आ गए? अरे आप साक्षात यहाँ आ गए तो समझ लीजिए अध्यक्ष भी आ गए। अध्यक्ष जी बराबर 10 बजे ऑनलाइन हो जाएंगे। आपने जो लिस्ट तैयार की है अध्यक्ष जी के सामने बोल दीजिएगा। हाँ भाई, आखिर आप इतने सोच में क्यों पड़े हो? सुनिए, मैंने दीदी से बात कर ली है, यूथ पार्टी लीडर का पोस्ट आपके बेटे को ही मिलेगा। तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे भाई को मैंने पार्टी में लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी भी बात मानूंगा। ये बात नहीं है जी। ये बात वो बात बंद करो जयलक्ष्मी। तुम उसे समझा दो कि चप्पल पैर में ही अच्छी लगती है। मुझे नहीं लगता कि उस घर में तुम्हारी कोई वैल्यू है दीदी, मेरी इज्जत का कचरा हो गया। ऐसा नहीं है नायक। अच्छा आप चुप करो। ए, मेरी बात तो सुन। भैया, 4 लोगों में से 3 लोग आपका नाम सुनते ही दुम दबा के भाग गए, सिर्फ वो अकेला ध्वजा ही बाकी है। मुझे नहीं लगता कि वो प्यार से आपकी बात मानने वाला है। उससे कैसे निपटना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कॉन्फ्रेंस में पहुँचेगा तब उसे पोस्ट मिलेगा ना। अब वो कैसे यूथ लीडर बनता है मैं भी देखना चाहूँगा। अब तो जा, देखो कॉन्फ्रेंस में पहुँच ना पाए। ठीक है भैया। अंकल, फोन आया। स्पीकर पे करो बेटा। ध्वजा, किधर पहुँचा तू? स्कूल जा रहा हूँ यार। स्कूल जाने की उम्र में पापा ने तुझे पार्टी ऑफिस में पहुँचा दिया। अब पार्टी ऑफिस में तेरी जरूरत है और तू पहुंचा नहीं। अब कौन से स्कूल में जा रहा है तू बाबू? ए, दिमाग पाने के लिए एलकेजी की पढ़ाई ही काफी है। बच्चे स्कूल जा रहे थे, इनकी वैन की टायर पंक्चर हो गई। इनको स्कूल छोड़ के आता हूँ। चल फोन रख। ए, चल बाहर निकल दो। नमस्कार भाई लोग, क्या बात है, अचानक मेरे रास्ते में आ गए? अब मुझे आंख भी दिखा रहे हो। जीप में स्कूल के बच्चे बैठे हैं, गाड़ी बीच में से हटा, बच्चों को स्कूल जाना है, देर हो जाएगी। क्या बात करते हो भाई, तुम्हारे साथ बच्चों को भी हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। पार्टी ऑफिस में मत जा, चल वापस लौट जा। चल चल जा जा, मेरे साथ कॉमेडी मत कर। बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है, चल अपनी गाड़ी हटा। अगर तेरे को यहाँ से जाना है ना तो हम सबको पार करके जाना होगा। पार करने का खेल मैं नहीं खेलता, समझा क्या? मेरा खेल कबड्डी है, सीधा वार करता हूँ। चल देखते हैं। ए, 1 मिनट भाई रुक जा, छोटे बच्चे बैठे हैं, बच्चों के सामने WWF नहीं खेलते। 1 मिनट रुक जा। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे मोबाइल में कैंडी क्रश खेलना, मैं इनके साथ कबड्डी खेल के आता हूँ। बस 2 मिनट की बात है। पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ, शर्ट गंदी नहीं होनी चाहिए। बी केयरफुल, ये तुम सबके लिए है। पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ, शर्ट गंदी नहीं होनी चाहिए। ए, शर्ट। तुझे क्या हुआ? मेरी शर्ट गंदी करनी है? कर ले। ए, मेरी बात ध्यान से सुन। राजनीति में सबका हाथ गंदा हो जाता है। ये छोटी सी बात मैं नहीं जानता हूँ क्या? इसलिए हर टाइम अलर्ट रहता हूँ। राजनीति का कीड़ा हूँ।